दोस्तों, आज मैं आपको मटर पनीर बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 200 ग्राम पनीर। इसको आप अपने हिसाब से काट लें। करीब 100 ग्राम मटर छिली हुई, दो टमाटर मीडियम साइज़, दो ग्रीन चिली, उसको आप बीच से कट कर लें, और करीब 10 ग्राम धनिया, हरा धनिया। उसके अलावा अगर हम मसाले की बात करें तो हमें चाहिए होगा तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, और 4 से 5 काली मिर्च, और 2-3 लौंग, और सफ़ेद इलायची, 3 से 4 आप ले सकते हैं सफ़ेद इलायची। इसके अलावा अगर हम मसाले की बात करें तो हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, सब्जी मसाला एंड जीरा पाउडर, ये हमें मसाले में चाहिए होगा। उसके अलावा हमारे पास में ये ऑनियन एंड लहसुन, गार्लिक का पेस्ट है, इसमें हमने अदरक भी मिक्स की हुई है। तो ये जो पेस्ट है, ये 3 चीज़ों का पेस्ट है। इसमें प्याज और लहसुन और अदरक को हमने मिक्स किया हुआ है। लहसुन और अदरक की क्वांटिटी सेम रखी गई है, और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, करीब 80% प्याज है, और 20% की क्वांटिटी में अदरक और लहसुन है, और नमक। तो दोस्तों, अगर हम पनीर की बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ये कढ़ाई ली हुई है, वही मैं गैस को ऑन कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं उसको निकाल देता हूँ। अभी पानी सूख जाने के बाद में मैं इसमें ऑयल डालूँगा और पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। दोस्तों, अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का गर्म होने के बाद में इसमें हम पनीर डाल देंगे, जिससे कि पनीर फ्राई हो जाएगा। ये पनीर को हमने छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया है, अब इसको हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसको हल्का सा चलाएंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में लगेगा नहीं नीचे, और ये चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। पनीर को हम अच्छे से घुमाते रहेंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में नीचे ना लगे। इसको करीब ब्राउन होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, तब तक हम इसको धीरे धीरे से चलाते रहेंगे। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि ये पनीर अभी ब्राउन होने लगा है। इसको करीब 5 से 7 मिनट लगे हैं ब्राउन होने में। अभी हम इसको दोनों साइड से ब्राउन कर लेंगे।
अभी हम गैस को थोड़ा हल्का कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर और ब्राउन होने दिया होने देंगे। आई थिंक पनीर अब ब्राउन हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो खाने में ये खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। को हम एक साइड में रख देंगे। अब चूंकि हम ये फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ी देर तेल में भून लेंगे, जिससे कि इसकी जो स्मेल होती है फ्रेश वाली वो चली जाएगी। साथ ही साथ ये थोड़ी गल भी जाएगी, जिससे कि हमें बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हम इसको पनीर के साथ में मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। दोस्तों जब तक ये मटर पक रही है तब तक हम ये सफ़ेद इलायची और जो हमने काली मिर्च और लौंग ली हुई है इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू सब्जी में आएगी जब हम इसको मसाले में डालेंगे सब्जी में डालेंगे। को हल्का सा क्रश करना है। देखिए अभी ये क्रश हो चुका है। अब हम देखते हैं कि मटर का क्या हाल है। आई थिंक मटर फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने मटर फ्राई करने के लिए दोबारा से तेल नहीं डाला है, क्योंकि जो तेल बच गया था पनीर फ्राई करते टाइम पे उसी तेल को यूज़ कर लिया है। ओके, तो अब हमने सारी मटर को बाहर ले लिया है, बाहर निकाल दिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब
अब देखते हैं कि इसमें कितना ऑयल बचा हुआ है, क्या हमें और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी ये ओनियन और गार्लिक का पेस्ट है इसको हमें फ्राई करना है। तो अब हम पहले थोड़ा सा और ऑयल ऑयल ऐड कर देते हैं इसमें। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद में हमने जो ये काली मिर्च, लौंग और सफ़ेद इलायची को क्रश किया था, इसको हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ ये जो दालचीनी है, दालचीनी को भी इसमें डाल देंगे। और ये जो तेज पत्ता हमने लिया था, इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे। अब हम करीब आधा टीस्पून जीरा लेंगे, इसको हम ऑयल में डाल देंगे जिससे कि ये फ्राई हो जाए। इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, मतलब चला लेंगे। ये सारे मसाले ब्राउन होने के बाद में इसमें हम करीब 4 से 5 चम्मच ये पेस्ट डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच ये गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट डाला है, इसको हम अब फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें ये जो हरी मिर्च है इसको ऐड कर देंगे। अभी हम इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अभी करीब 4 से 5 मिनट के बाद में ये प्याज का जो पेस्ट था, प्याज लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था, ये अभी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। सबसे पहले हम हल्दी लेते हैं करीब आधा टेबल स्पून, इसको हम प्याज में डाल देंगे। उसके बाद में ये जीरा पाउडर है, इसको करीब हम हाफ टेबल स्पून लेंगे, टी स्पून, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। सब्जी मसाला ये हाफ टी स्पून से कम ही रखेंगे। और ये रेड चिली, इसको भी कम से कम यूज़ करूँगा मैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत कम क्वांटिटी ऐड करने जा रहा हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ओनियन के साथ में और मसाले
मसाले को हल्का सा पकने देंगे। अभी इसमें हम नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी हमने पनीर की और मटर की ली है उसके हिसाब से मैं एज पर माई टेस्ट, मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक को ऐड कर रहा हूँ। आप भी आपके टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड कर दीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने टमाटर को जो कटे हुए काटा हुआ था इसको भी अब हम मसाले में ऐड कर देंगे। टोमेटो को हमने अभी मसाले में ऐड कर दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको ढक देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाएगा। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ। चाहे तो थोड़ा सा पानी और मिक्स कर सकते हैं। हम इसको ढकने के बाद में अच्छे से पकने लेंगे जिससे कि ये जो टमाटर है वो मिक्स हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने टमाटर इसमें ऐड किया था। करीब हम 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे ढक्कन लगाने के बाद। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। करीब 4 से 5 मिनट मैंने लिड को मतलब ढक्कन को इसके ऊपर रखा हुआ था और अब आप देखेंगे कि ये टमाटर भी पक गया है। इसको हम थोड़ा स्मैश कर लेंगे जिससे कि ये मिक्स हो जाएगा मसाले के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले से भुनने के बाद में। मुझे लगता है कि आज का ये मटर पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर और कवर कर सकते हैं। इससे कि ये टमाटर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तलने के बाद। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मसाला पक गया है अच्छी तरीके से और टमाटर भी मिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने पनीर फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे और जो मटर हमने फ्राई की थी उसको भी ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ में मिक्स कर देंगे अच्छे से। आपका मटर पनीर लगभग तैयार होने वाला है। इसको मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे।
बड़ा अच्छा कलर आया है ये मटर पनीर में। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगा और इसको हम राइस के साथ भी खा सकेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना ऐड करें, नहीं तो इसकी जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हुए हैं वो एज़ पर दी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड किए हैं, और अगर इसमें पानी ज़्यादा मिक्स हो गया तो फिर जो मसालों का अनुपात है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब तक एक बार ये पकेगा इसको हम लिड लिड इसके ऊपर हम लिड रखेंगे, कवर करेंगे जब हम कढ़ाई को, तो ये अच्छे से पक जाएगा। एक बार इसमें हम करीब 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके लिड को छोड़ देते हैं और इसको पकने देते हैं अच्छे से। अभी देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ रहा है मटर पनीर में। इसको और ज़्यादा हम अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी देर इसको हम ढक देते हैं, करीब 4 से 5 मिनट हम ढकेंगे लो फ्लेम पे, कम आंच पे हम इसको 4 से 5 मिनट पकने देंगे और हमारा मटर पनीर तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं पनीर की क्या कंडीशन है। करीब इसको हमने 3 मिनट तक कवर किए हुए रखा था। देखिए अब बॉयल हो गया है और इसमें जो ग्रेवी है वो भी ठीक मात्रा में है, तो आपका पनीर अब तैयार हो चुका है। इसको बस हम अब धनिया पत्ती के साथ में गार्निश कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको धनिया पसंद नहीं है तो आप हल्का सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी धनिया का सीजन चल रहा है तो मैं इसमें धनिया ही ऐड कर रहा हूँ। अब आप लिड को कवर कर दीजिए दोबारा से और गैस को बंद कर दीजिए। देखिए आपका मटर पनीर जो है तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर कवर करके रखेंगे जिससे कि ये धनिया की जो खुशबू है वो मिक्स हो जाएगी सब्जी के साथ में। दोस्तों हमने इस कढ़ाई को करीब 5 मिनट तक कवर किया हुआ है था धनिया पत्ती डालने के बाद में। हाँ अब देखेंगे हम कि इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुरंत इस पर टूट पड़ूँ। आपका ये मटर पनीर खाने के लिए तैयार है, आप इसको परोसें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।